दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पैरों पर जमी जिद्दी से जिद्दी गंदगी और मैल को जड़ से उखाड़ फेंकने का घरेलू उपाय। हम में से ज्यादातर लोग दमकती और खूबसूरत त्वचा पाने के लिए विभिन्न सौंदर्य उत्पादों के पीछे काफी पैसा खर्च करते हैं, परंतु वे अपने पैरों को नजरअंदाज कर देते हैं। पैरों को गोरा बनाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती, बस छोटे मोटे घरेलू उपायों के जरिए आप अपने पैरों के कालेपन को दूर कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के जानते हैं पैरों पर जमी जिद्दी से जिद्दी मैल और गंदगी को जड़ से उखाड़ फेंकने के इस घरेलू उपाय को बनाने का तरीका। इसके लिए सबसे पहले हमें लेनी है दही। दही हमारे जिद्दी से जिद्दी मैल को जड़ से खत्म करने का काम करती है, तो इसीलिए हमने इस नुस्खे में 1 चम्मच दही का प्रयोग करना है, कुछ इस प्रकार से। फिर इसके बाद हमें लेना है 1 चम्मच बेसन। बेसन भी हमारे पैरों के जिद्दी से जिद्दी कालेपन और मैल को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करता है। और तीसरी चीज हमें इसमें मिलानी है 1/2 चम्मच के बराबर एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी हमारे पैरों के कालेपन की समस्या को जड़ से खत्म करने का काम करता है और उन्हें चमकदार बनाने का काम करता है। और अंत में आपने लेना है 1/2 कटा हुआ नींबू और इसका रस हमें इसमें डाल लेना है, कुछ इस प्रकार से। अब आपने इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेनी है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर नई नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो ये देखिए दोस्तों, अच्छे से चला लेने के बाद हमारा ये घरेलू उपाय तैयार हो चुका है पैरों पर जमने वाली गंदगी और पैरों के मैल को जड़ से खत्म करने के लिए। अब जानते हैं कि हमें इसका इस्तेमाल करना कैसे है। दोस्तों, आपने इस घरेलू उपाय को मेरे बताए अनुसार बना लेना है और आपने इसे अपने पैरों पर अच्छे से लगा लेना है, यानी आपने इस लेप से अपने पैरों को पूरी तरह से कवर कर लेने हैं और लगभग 1/2 घंटे के लिए इन्हें ऐसे ही छोड़ देने हैं। 1/2 घंटे बाद आपने अपने पैरों को ताजे पानी से धो लेने हैं। लगातार कुछ दिनों तक इसका प्रयोग करने से आपके पैरों की जिद्दी से जिद्दी मैल और कालेपन की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।